it grow a little hole, a little vision, and that is that. A little shower, समय आपका समाप्त होता है, आप पीछे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कानपाल साहब हमारे बहुत पारखी हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे लोगों का तो समय ज्यादा भी लोग ले सकते हैं, लेकिन समय तो एक मिनट ही है, इनको उसी में एक आगे। बेटा तुम्हारा नाम? अंशिका। क्या किस क्लास में पढ़ती हो? सेकेंड। आगे कानपाल साहब, अंशिका जल्दी से आओ। क्या बन के आए हो आप? राधा। राधा, राधा कुछ जल्दी से हमें बोल के दिखा दो, कुछ बोलना चाहती हो? राधा हूँ मैं, वृंदावन में आई हूँ, ढूंढ रही हूँ अपना कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण। थैंक यू। बहुत अच्छा, इसको कृष्ण जरूर मिलेगा। अगला बच्चा। बेटा क्या नाम है? पलक झा। किस क्लास में पढ़ती हो? फोर्थ। किधर आ जाओ। अगर मुझे याद है तो आप पिछली बार भी आए थे। हाँ, क्या बन के आई? सरस्वती माँ। बताओ सरस्वती माँ, आज आप क्या कृपा करने वाली हैं हमारे ऊपर? बच्चों, मैं विद्या की देवी सरस्वती माँ हूँ। हिंदू लोग बड़े उत्साह से बसंत पंचमी यानी कि माघ पंचमी के दिन मेरा पूजन करते हैं। मुझे साहित्य, संगीत और कला की देवी माना जाता है। मेरी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकवि कालिदास है। मुझे शारदा, वीणा पाणी, भारती, महेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग मेरा स्मरण करते हुए मन लगाकर अपना काम करना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या। दिव्या किस क्लास में पढ़ रही हो? फोर्थ में। चलो आगे आओ दिव्या, फोर्थ क्लास। ये है विद्या। विद्या इधर आ जाओ और आप जल्दी से बताओ क्या सुनाने वाली है। मैं एक पोयम सुनाने वाली हूँ। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो, बचे हर पाप से भगवान, यही विनती हमारी हो। गुरु आज्ञा का पालन कर, सफल जीवन बनाएंगे। गुरु आज्ञा का पालन कर, सफल जीवन बनाएंगे। पठन पाठन के हित चित में सदा ही रुचि हमारी हो, मेरा विद्या जीवन। बहुत है, एक मिनट का समय हमारे लिए। बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा, और अच्छे तरह से याद करो। अगला बच्चा, आगे आ जाओ, आगे ले आओ। हाँ पूछिए। क्या नाम है? शिवांगी। शिवांगी किस क्लास में हो? फोर्थ क्लास में। हाँ शिवांगी, आगे आ जाओ, यहाँ पर बिल्कुल आ जाओ, ताकि कैमरे में आपकी अच्छी फोटो आए। हाँ आप क्या सुनाएंगी जल्दी? मैं सरस्वती माँ के भक्त बन के आई हूँ, उनके पर एक पोयम सुनाऊंगी। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओगे तो द्वार खुल जाएगा, खटखटाओगे तो द्वार खुल जाएगा। धन्यवाद। जोर से तालियां बजाया करें हर बच्चे के लिए, आपने बहुत अच्छा शिवांगी ने सुनाया। अब हाँ पूछिए सर। तुम्हारा नाम? रिया। किस क्लास में पढ़ती हो? फोर्थ। रिया फोर्थ। रिया आगे आ जाओ, रिया की प्रिया। रिया, हाँ तो रिया आप आज किस क्या बन के आई है और क्या सुनाएंगे? हेलो, मैं कश्मीरी बनकर आई हूँ। मैं हिमालय पर्वत की एक बेटी हूँ, पर हिमालय पर्वत की बेटी नहीं, यहाँ जो सारी माँ बैठी है उनकी भी एक बेटी हूँ। चलो बेटियों की तो बहुत बात हो गई, बट अब हम एक गीत पर पहुँचते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं,
ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहती है, घर को जन्नत का नाम देती है। चलती है जब बेटियां तो मोती चढ़ती है। समय का हमारा होता है यहाँ पर बहुत बड़ी बराबर बराबर बच्चे को देने के लिए, और एक मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। भारत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष बोस, विशाल अशफाक और लाल बाल पाल मंगल पांडे, चंद्रशेखर के तुझमेरा, नानक, महावीर, गौतम गांधी, संतों की संतान है तू, और पटेल, जवाहर, शास्त्री, इंदिरा, राजीव, अटल, अरमान है तू। मुझे यहाँ पर एक चीज की कमी दिखी, बच्चे सरस्वती और कई बन गया है, लेकिन यहाँ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की मुझे कमी नजर आती है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगले बार अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे, सिर्फ ताबूत में लिपटे हुए शहीद को तिरंगे में जब हमारे घर आता है उसी समय आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। बच्चों में यदि हम जज्बा दिखाएंगे नहीं देश प्रेम का, तो फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और सुभाष और फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कैसे बनेंगे अगला कैंडिडेट। जोरदार ताली कांडपाल जी के लिए, इच्छनीय सर साहब। और इसी बीच में मैं कमलेश जी से और संजीव जी से आग्रह करूंगा जो दोनों क्विज का फाइनल रिजल्ट तैयार कर लें। बेटा क्या नाम? नैतिक जिंदल। नैतिक जिंदल किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड, ठीक। आगे नैतिक, इधर आ जाओ। हाँ बेटा, क्या बताओगे, क्या बोलोगे, जरा जल्दी से बताओ। मैं झांसी की रानी बन के आया हूँ, मैं उसके उसके बारे में एक कविता बोलना चाहता हूँ। सियासत हिल उठे, राजवंशियों ने भुक्ति जारी थी, पूरे भारत में आई फिर नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की है कीमत सबने है पहचानी थी, दूसरे को करने आई है झांसी की रानी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस बच्चे ने कहा। आगे अगला 11वां नंबर बच्चे को आगे ले आइए, और जो आपका थीम था सामने आ गया जी, वो भी आ गया। अच्छी बात। बेटा क्या नाम है? नैतिक। नैतिक, क्लास कौन सी है? लिटिल। चलो लिटिल है, लिटिल है। ये हाथ हटाओ और कुछ बोल के दिखाओ। शाबाश। जरा जोर से बोलो, अपना नाम बताओ, जरा जोर से सबको ताली बजा देंगे सब आपके लिए। मैं नैतिक अम्मा हूँ। हाँ कुछ बोल दो जल्दी से। आपने ये कपड़ा पहना है, इसका रंग कैसा है, ये कौन से रंग का है ये कपड़ा, ये किस रंग का कपड़ा है, ये देखो मेरे हाथ पर तो लगा है, ये वाला ये कौन सा रंग है? नहीं, अच्छा फिर ये कौन सा रंग है, ये रंग कौन सा है? व्हाइट। व्हाइट, तो फिर ये भी बता दो जल्दी से। ग्रीन। ग्रीन, अच्छा चलो आप आगे सुना दो जल्दी से। हाँ सुनाओ जल्दी से। अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, माँ से नहीं करते हैं। और आपका समय समाप्त होता है। ये बच्चे ने कहा इसको मुंह में डाल के कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो बदमाशी नहीं करते हैं, रियली बदमाशी मत करना, आप लोग बहुत अच्छा इसलिए बताया। अगला बच्चा, हाँ जी कौन सा अगला? एक सूचना, एक सज्जन की बेटिया ने यहाँ पे मथा टेकने के लिए मोबाइल रखी, कोई बच्चा लेके चला गया हो, किसी के साथ गलती से चला गया हो तो दे दे मोबाइल वापस कर दे। उस लड़की ने सरस्वती माँ को माथा टेका, हाथ नीचे रखा, हाथ खाली किया, मोबाइल रखा, किसी ने उठा दिया। अब ये आप जरा सा देख लीजिएगा, जोर से बोलो, अपना नाम बताओ जरा जोर से सबको, तब ताली बजा देंगे सब आपके लिए। मैं नैतिक अम्मा हूँ। हाँ कुछ बोल दो जल्दी से। आपने ये कपड़ा पहना है, इसका रंग कैसा है, ये कौन से रंग का है ये कपड़ा, ये किस रंग का कपड़ा है, ये देखो मेरे हाथ पर तो लगा है, ये वाला ये कौन सा रंग है? नहीं, अच्छा फिर ये कौन सा रंग है, ये रंग कौन सा है? व्हाइट। व्हाइट, तो फिर ये भी बता दो जल्दी से। ग्रीन। ग्रीन, अच्छा चलो आप आगे सुना दो जल्दी से। हाँ सुनाओ जल्दी से। अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, माँ से नहीं करते हैं। और आपका समय समाप्त होता है।
ये बच्चे ने कहा इसको मुंह में डाल के कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो बदमाशी नहीं करते हैं, रियली बदमाशी मत करना, आप लोग बहुत अच्छा इसलिए बताया। अगला बच्चा, हाँ जी, कौन सा अगला? एक सूचना, एक सज्जन की बेटिया ने यहाँ पे मथा टेकने के लिए एक मोबाइल रखी, कोई बच्चा लेके चला गया हो, किसी के साथ गलती से चला गया हो तो दे दे मोबाइल वापस कर दे। उस लड़की ने सरस्वती माँ को माथा टेका, हाथ नीचे रखा, हाथ खाली किया, मोबाइल रखा, किसी ने उठा दिया। अब ये आप जरा सा देख लीजिएगा, आप सिक्स्थ में हो, हाँ तो फोर्थ तक ही क्वालिफाई है आप, इसमें गलत की। आगे आओ, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, किस कक्षा में पढ़ती हो? स्कूल। अच्छा, क्या बोलोगे आप, बोलो जल्दी से, बोलो, ये लो पकड़ लो इसको और सुना दो हमें जल्दी से। हाँ सुनाओ, बोलो पॉइंट, बोलो बोलो पॉइंट आपका। भाग लेने के लिए, लेकिन समय नहीं बेटा, चला जाओ। अगला अगला पूछो सर, पूछे। क्या नाम है बेटा? अन्वेषा। अन्वेषा, किस क्लास में हो? मोंटू। मोंटू, चलो बेटा आगे थोड़ा हो जाओ, आप बताओ क्या आप सुना रहे हो, हमें सुना दो, क्या बन के आए हो आप? राधा। राधा बन के आए, तो राधा जी कुछ तो बोल दीजिए आप जरूर। बहुत अच्छा, ताली बजा दो इसके लिए, इस बच्चे को जोरदार ताली। चलो बेटा यही रुको, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आओ। क्या नाम है? आदिका। आदिका, किस क्लास में हो? हाँ बेटा, क्या बन के आए हो? राधा। राधा, एक राधा हमारे बीच में और आई है, और अब आप क्या सुनाएंगे राधा जी? मैं सरस्वती जी के एक भजन सुनाना है। और जल्दी एक ही लाइन का भजन सुनाना है, ये लो जल्दी से सुनाओ, एक ही लाइन। जय 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 माँ सरस्वती, जय 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 माँ सरस्वती,
अच्छा जोर से ताली बच्ची के लिए पिताजी का। मैं ये एक लाइन जरूर बोल दूं जी, इसका गला तो बहुत अच्छा था, मानता पूरा सुन लो लेकिन समय नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन बच्चों को और टाइम दिया जाए लेकिन समय नहीं है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, समय नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, अगली बार इसको लेके आइएगा पूरा ग्रुप, मैं पूरा गाना सुनूंगा। इसके लिए जोरदार ताली, बहुत उन टैलेंट के लिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर हम इनको समय दें और उनके साथ बातचीत करें तो निकलेगा। मोबाइल के बारे में मेरे भाई साहब फिर कह रहे हैं, देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें कहने में संकोच सा होता है, आखिर किसी ने तो सरस्वती माता के उस मंदिर से मोबाइल उठा करके अपने जेब में रखा होगा। अब ऐसे कहता हूँ, अभी तक ये कह रहा था कि गलती से किसी ने ले लिया, अब मेरे मन में एक बात आती है, इस विद्या के मंदिर में, इस सरस्वती महामाई के मंदिर में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है? मैं तो कहता हूँ यदि उसको नीचे मिला है तब भी यहाँ पर चरणों में डाल दीजिए, वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अभी भी हम हिम्मत नहीं हारते, जिस किसी ने भी गलती से अगर मोबाइल ले लिया है तो कृपया कोई बात नहीं है, यहाँ उसको रख दीजिएगा। ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत मोबाइल मिलेंगे, हवाई जहाज मिलेंगे, उस मोबाइल के पीछे उस लालच के घेरे में मत आइए और अगला कैंडिडेट को सामने लाइए। क्या नाम है? मान्या। किस क्लास में हो? थर्ड में। आगे कौन पास का? चलो बेटा आगे चलो, सुनो बताओ हम क्या बन के आए हो आप? मैं सरस्वती माता की भक्त बन के आई हूँ। भक्त बन के आई है सरस्वती माता की, जो भक्त जी कुछ तो बोलिए, और जरा एक लाइन ही बोलिए, जल्दी बोलिए। वंदना माँ वंदना, वंदना माँ वंदना, वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना माँ वंदना। बहुत बढ़िया, जोरदार। लड़की भी अच्छा भजन प्रस्तुत कर रही थी, शाबाश बेटा। मानिया मानिया जी, तुम भी म्यूजिक सीखती हो क्या? नहीं, गाती हो ऐसे ही? अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनकी आपकी मम्मी जी आई इधर कहाँ पर हैं? बहुत अच्छा, आप प्रैक्टिस कराइए इनको, अगली बार हम फिर बुलाएंगे। बेटा और क्या नाम है? क्या नाम है? हिमांशी। अच्छा, किस क्लास में हो? सेकंडरी। हाँ चलो बेटा, नहीं और इस प्रतियोगिता का हमारे सामने कैंडिडेट नंबर 19 आपके सम्मुख है। आप सबका धन्यवाद जो आपने अपने बच्चों को हमारे बीच में भेजा, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। माँ सरस्वती की कृपा से ये बच्चे जरूर आगे जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, देश प्रेम प्रथम सुहास, श्रृंगार सुहास रस करुणा रौद्र ही जान, और वीर बच्चर भर कहीं अद्भुत शांत बखान, नौ रस के नौ चीजें बना के बच्चों को सिखाइए बनाइए, इन्होंने ही कल को हमारा भारत देश संभालना है। धन्यवाद। और तुम क्या बन के आई हो? सरस्वती, ये भी सरस्वती की भक्त बन के आई है। तो मैं आप भक्त को प्रणाम करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आपको जरूर बोलिए, जोर से बोलिए, जय जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, माता तेरी चरणों में मैं गिर गई, माता तेरी चरणों में मैं गिर गई, माता माता मैं तेरी पूजा करूं, मैं पूजा करूं, पूजा करूं, मैं पूजा करूं, माता तेरी भक्त बन के धन्य किया तूने मुझे, धन्य किया तूने मुझे। और इस तरह चलो बेटा, और जैसा बच्चों को वापस भेज दे, यहीं पर रहेंगे या चले जाएंगे? नहीं, बच्चे नीचे इंतजार करेंगे, आप तब तक उसका रिजल्ट निकालें, मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाता हूँ। और एक मिनट के लिए मैं कहना ये चाहूंगा कि आयोजकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, मुझे एक निर्णय के तौर पर यहाँ है तो मेरा काम होता है, थोड़ा सा बता देना। मैं अगली बार से छह साहब से निवेदन करूंगा
कि इसमें कक्षा चार का बच्चा और कक्षा तीन दो फिर सेकंड फर्स्ट नर्सरी करके हैं। मेरा निवेदन है हमारे आयोजक, हमारा ये मैथिल संघ, ये कल्चरल संघ, ये याद थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस पुरस्कार को दो श्रेणियों में बांट दें, तीन और चार वालों को अलग कर दें, बाकी छोटों को अलग कर दें, क्योंकि थोड़ा सा वो बच्चे उनके साथ रेशियो में, वो छोटे बच्चे को हम अलग से प्राइज दें, तो अगली बार से अगर आप हो सके तो ये जरूर। आपका सुझाव सराहनीय है, अगले बार उसकी कोशिश की जाएगी। इस बार तो हमने अगली बार से जो नर्सरी से सेकंड तक का एक ग्रुप हो जाएगा, ताकि छोटे छोटे थोड़े से इसमें, और जो ये कक्षा तीन वाले और ये जैसे लड़की कक्षा चार की है, और मेरे जैसे जज को बड़ी परेशानी होती है, इसको इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, उसके साथ भी अन्याय हो जाएगा। तो धन्यवाद जो मेरी इस प्रार्थना पर आपने गौर किया। अब सारे बच्चे आप नीचे चले जाओ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा। और धन्यवाद, थोड़ी देर में रिजल्ट लेकर के आपके सामने आते हैं। धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया, हमारे बच्चों का मान बढ़ाया, इस मंच का मान बढ़ाया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। नमस्कार। बस आपके बहुत कम समय थे, अजवारे सब गोटा एक मंच पर आए हो। संस्था के गार्जियन और संरक्षक श्री नारायण झा जी से हम दू बेटा आग्रह, साथ में विनीत झा के सेहो लेने अभी हम, विनीत झा जी से आग्रह, देवचंद झा जी से आग्रह, और के सब ठीक अगर श्री राघवेंद्र झा हो तो सेहो उनका से आग्रह मंच पर आओ, नारायण बाबू से आग्रह बैठो जो भी हो, और अपन एहि संस्था के एहिठामक पूरा गार्जियन हम सब मानै छी, सब मानै छनि श्री नारायण झा जी, और उनका साथ और भी जे लोग होइ उनका सबसे आगा हम नहीं सबके देख पाबि रहल छी, जिनका जे नजर पड़ल हुनका सबसे हम बुला लेलहुँ, और एक रिजल्ट सामने सब रिजल्ट आबि गेल अछि। तऽ सबसे पहले सीनियर सब गोटा आबि गेलहुँ, सीनियर जे क्विज कंटेस्ट भेल छल ओहिमे फर्स्ट आयल ओ बच्चा या ओकर हुनकर पेरेंट अगर नाम सुनी तऽ जल्दी स्टेज पर जे भेजब, गौरी, गौरी फर्स्ट एलथ है हुनका, गौरी अहाँ मंच पर आओ। अमित जी मन पर आओ, गौरी या उसके घर के कोई है क्या? गौरी श्याम आप उनकी मम्मी हैं, प्राइज लेके दे देते हैं श्री नारायण झा और श्री विनीत झा जी से आग्रह दोनों। गौरी नहीं है उसके लिए इस बच्ची को दे दिए, वो उनको प्रेजेंट करिए, दे देंगे प्रजन है, हाँ है वो नीचे ले लेंगे, कोई बात नहीं वहाँ से ले लेंगे, ठीक। हाँ ठीक, पिछले बार भी ये बच्ची पुरस्कार ली थी, फर्स्ट के लिए जरूर धन्यवाद, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब बच्चों के लिए धन्यवाद, जोरदार जोरदार ताली भी बजाना चाहिए। सेकेंड सुयश आनंद, सेकेंड के है इसमें इसी हायर ग्रुप में सुयश आनंद, अजय चौधरी जी अध्यक्ष और लाल जी राघवेंद्र झा जी मिलके दोनों, राघवेंद्र झा जी जोरदार ताली, अजीत सिंह भी मंच पर,
थर्ड तुषार तुषिक जोरदार ताली बात खुशी है बहुत बड़ी अमोल झा और अजीत सिंह जोरदार ताली जूनियर क्विज का नेहुल दहिया फर्स्ट किया है नेहुल दहिया सुरेश झा और प्रकाश मलिक सुरेश जी और प्रकाश मलिक सेकेंड पराग कुमार सुनीत ठाकुर संगठन सचिव और आदित्य जी जोरदार ताली और थर्ड ईसा झा अमित चौधरी आटीएन झा अमित चौधरी ईसा झा राहुल ईसा झा डायरेक्ट पढ़वा सेक्टर 15 जीतों तक का इलेक्शन लाइट बंद कर अच्छा बचानी है चलो आओ आओ मस्तान जी के प्राइज दे दिया जय मस्तान जी ले जोरदार ताली जिनकर बच्चा था हाँ ये डीएन डीएन या अमित अमित चौधरी ड्राइंग कंपटीशन सीनियर गौरी 10th क्लास की वही गौरी है अजय अजय चौधरी और अजीत सिंह अरे तो मेरा ही नाम है हमारे नाम से हम अपने लगे है अच्छा नहीं नहीं नाम हमारे थे तो हम लोग अमूल अली प्राइज की चलो नाम ही शायद महिला पुरुष में दोनों में भाग गए तृप्ति सेकंड अमोद झा विनीत झा थर्ड धनराज सिंह धनराज सिंह श्री नारायण झा संरक्षक गार्डियन साथी उनके सहयोगी राघवेंद्र झा लाल राघवेंद्र झा लाल जी नीचा उतर गए चलो सुरेश झा जी दोनों को टैग ले इनको दोनों को टैग ले जोरदार ताली बजाओ जी सब द्वारिका में रहै छथि तैयो अबै छथि और इ त नारायण जी चालू ओना घर छनि एकटा ओठमा एकटा ओतो बहुत बढ़िया आ सुरेश जी के घरे होते तैयो एलथि दुनू गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय दै छथि हरेक में अबै छथि इनका ले ले जोरदार ताली जूनियर
विद्यानंद जी अगर वही हम दूगे आवाज पहले देने चला विद्यानंद झा जी हर्ष देवू भाई सागर से हो मन पड़ा और जितेंद्र लाल कर्ण जी है अंशुल झा शशि पांडे और विनीत झा अंशुल झा वही तो जो कर्ण जी जितेंद्र लाल जी कर्ण सेकेंड खुशी देवू भाई जितेंद्र लाल कर्ण जी और सुनील कुमार ठाकुर थर्ड आयुषी कपूर जितेंद्र लाल कर्ण और आदित्य जी जोरदार ताली। आप जो हिमाचल है वही में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता वो हम सब जजेस हती है पहल लेकिन सब गोटा एक मारू भाई सदस्य पारुल झा फर्स्ट सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था फैंसी ड्रेस में और ये मैं क्या कोई और भी निर्णायक होता मैं झा साहब का धन्यवाद करूंगा टीएन झा साहब का महासचिव जी का उन्होंने सहयोग किया बहुत कठिन होता है ऐसे क्षणों में किस बच्चे को फर्स्ट निकालने सेकंड निकालने फिर भी मैंने उनकी कक्षा और उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए इन बच्चों का रिजल्ट दिया है जो आपके सामने है धन्यवाद कानपाल जी तो इसको फर्स्ट अंशुल झा और कानपाल साहब दोनों मिलकर पारुल झा सेकेंड मान्या सेकेंड मान्या मान्या कमलेश जी बाय प्रोफेसर एडवोकेट और संजीव जी कमलेश जी अखिलेश चौधरी जी भी हुई तो मन पर आवे कोशिश कर थर्ड पलक झा सीमा मैडम और वंदना मैडम सीमा मैडम वंदना मैडम इधर सर जी इधर सीमा मैडम वंदना बहुत 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 धन्यवाद और किस डांस और किस जे बाकी कार्यक्रम भेल छले ओकर ग्रुप के जे कि पहले नाम से आयल छले ओकरा लेल तो हमर एठमो पूरा व्यवस्था छल अजीत सिंह जी जल्द से जल्द मंच पर सुमन कटारिया मैडम से आगे मंच पर आने इधर
जे शुरू में किसी डांस भेल छल ओहि में मुश्किल हमरा लेल किछु भेल ई जे जतेक हम प्राइज रखने छी ओहिसँ ज्यादे बच्चा ज्यादे भेल आ बच्चे जहन नाम लऽ लेलियै तऽ ओहिमे लड़ाइ नहि होइ तऽ ओहिके हम दोसर एकटा तरीका निकालि लेलियै कोशिश केली जे लड़ाइ नहि होइ आपसमे तऽ प्राइज तऽ जरूर ओहि बच्चाके भेटक चाही जे पहिलेसँ नाम ऑलरेडी लिखेने छथि तऽ सीमा मैडमके जे बच्चा लग 10 बच्चा हुनकर ग्रुपके आयल छलखिन जे एहिमे भाग लेने छलथि तऽ 10 बच्चा आओर प्लस सीमा मैडमके हमर स्मृति चिन्ह संस्थाके आओर प्लस एकटा ई लिफाफा जे सब बच्चाके लेल प्राइजके रूपमे एक हमरा तरफसँ कंसोलेशन प्राइज श्री नारायण झा जी बहुत 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 धन्यवाद और किछ डांस और किछ जे बाकी कार्यक्रम भेल छले ओकर ग्रुप के जे कि पहले नाम से आयल छले ओकरा लेल तऽ हमर एहिठमा पूरा व्यवस्था छल अजीत सिंह जी जल्द से जल्द मंच पर सुमन कटारिया मैडम से आगे मंच पर आने इधर अजीत जी जे शुरू में किछु डांस भेल छल ओहि मे मुश्किल हमरा लेल किछु भेल ई जे जतेक हम प्राइज रखने छी ओहिसँ ज्यादे बच्चा ज्यादे भेल आ बच्चे जहन नाम लऽ लेलियै तऽ ओहिमे लड़ाइ नहि होइ तऽ ओहिके हम दोसर एकटा तरीका निकालि लेलियै कोशिश केली जे लड़ाइ नहि होइ आपसमे तऽ प्राइज तऽ जरूर ओहि बच्चाके भेटक चाही जे पहिलेसँ नाम ऑलरेडी लिखेने छथि तऽ सीमा मैडमके जे बच्चा लग 10 बच्चा हुनकर ग्रुपके आयल छलखिन जे एहिमे भाग लेने छलथि तऽ 10 बच्चा आओर प्लस सीमा मैडमके हमर स्मृति चिन्ह संस्थाके आओर प्लस एकटा ई लिफाफा जे सब बच्चाके लेल प्राइजके रूपमे एक हमरा तरफसँ कंसोलेशन प्राइज श्री नारायण झा जी आओर कोनो बच्चा जे डांस खाली केने हुए ओकरा हमरा चाहिए एक कैटेगरी बढ़ा लेने छियै मलिक जी और कंपाल जी आप ही हाथ लगा दें दोनों बच्चे के लिए उस बच्चे के लिए और मुझे याद नहीं आ रहा है और इसमें जज की भूमिका निभाने वाले जितने भी हमारे हैं मैं तो सबको अपना घरेलू समझ के इनको दावत देता हूँ जो आए आए लेकिन अपना बहुत समय देते हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जितने भी जजेज हैं और मैं अपने संस्था की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह अजय चौधरी श्री कंडपाल जी को प्रदान करें सुनीत ठाकुर और अमोद झा श्री संजीव जी से ये स्मृति चिन्ह प्रदान करूं हरेक बेर इनका सहयोग भेटैया ये हमार जतेक आप स्टेज पर छी सब सबके तरफ से बोलू ये सबके तरफ से सब गोटा के कहानी सब बहुत मेहनत केने छै तो सबके तरफ से चाहे नाम ककरो हुए लेकिन सबके तरफ से की बनी जी एकदम नहीं पक्का चलो तो हम अपने तरफ से हैं
मास्टर अमरेश जी, ये हमारे इनकार की से एक दो लाइन हम यहाँ बतावी जे एडवोकेटो छथि और बहुत भी कार्यक्रम में हम सब साथो रहे छी और एक ही जगह रहितो छी, एक ही RWA में सेहो छी और इनकर संघर्ष जे छै पब्लिक के लेल बड़ा जबरदस्त छै। तो इनका हम ही अपना आ सकी लेकिन चाहिए हमारे बुजुर्ग के भाग्य जे कमलेश जी एडवोकेट के हम अपना तरफ से ही छोटा सा स्मृति चिन्ह। हाँ, सुझाव देवे हमेशा राजी जी की अपन प्रेरणा में सेहो लिखल है एडवोकेट कमलेश जी के। वंदना जी ई हम एक ही परंपरा में सेहो निभावे छी जे वंदना जी के ई स्मृति चिन्ह सीमा मैडम प्रदान करते। सीमा मैडम महिला के महिला बाकी तो बाकी से हो भले लेकिन एक सब परंपरा निभाल जाए जोरदार ताली। और यो खास बता दी अपना मिथिला में छी दोनों दियादनी छे और जोरदार ताली एक बेर ले जोरदार ताली दियादनी कह छी ते द्वारे ठमा दोनों गोटा। अरे नहीं हमारे प्राय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महासचिव सचिव ये सब के मिलाकर टोटल छे एक समाज। चलो एक अरे हम अरे नहीं 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 चलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटा एहिठमा समय देलिए और ये टीम एक टीम समाज का है और हाँ मैं स्वीकार कर लो टीएन झा जी बड नीक उद्घोषणा के सब संचालन नीक जगह के हिंका अजय चौधरी और नारायण जी बाबू के तरफ से एक सांकेतिक एक पुरस्कार मिल रहा प्रोत्साहन कॉन्सोलेशन प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आ सकला तो प्रोत्साहन को हमारा कोनो नहीं रिकॉग्नाइज के नहीं जे अहाँ कोनो उपलब्धि अहाँ के साथ है की है अहाँ सब हमारे साथ छी एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आरती के सबका एक लेल जोरदार ताली देखियो के बजा दियो आगा माइक ऑपरेटर से आग्रह एक माइक वहां दिया जाए जल्द से जल्द जो आगे का कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे और उस तरह आगे कार्यक्रम होगा। आज का अभी का अपन के ही कार्यक्रम